गाइस वेलकम बैक टू द लर्नर्स। आज हम आपको याद्जी घर पे कैसे बनाते हैं और उसे कैसे खेलते हैं सिखाएंगे। तो बनाना बहुत आसान है, बस आपको एक कंटेनर चाहिए जिससे आप अपने किसी भी गेम के 5 डाइस रोल कर सकते हो, और कोई ट्रे या फिर कोई चीज चाहिए जिससे कि जब आप रोल करो तो आपका आपके डाइसेस बाहर ना गिरे, और इंटरनेट पे कहीं से भी याद्जी की स्कोर शीट प्रिंट कर सकते हैं। जानने के लिए इसकी स्कोर शीट को समझना ही बहुत काफी है, तो चलिए पहले इसकी स्कोर शीट को समझते हैं। सबसे पहले इसके दो सेक्शन होते हैं, अपर और लोअर सेक्शन। अपर सेक्शन में आपको नंबर्स के हिसाब से खेलना होता है, जैसे कि एसेस मतलब होता है 1, तो आपके अगर एक रोल में 1-1 आया तो आपको यहाँ 1 पॉइंट मिलेगा, 2-1 आए तो 2, तो और ऐसे करते करते आपको एसेस में सबसे ज्यादा पॉइंट्स 5 पॉइंट मिल सकते हैं। ये रूल 2, 3, 4, 5, 6 के लिए अप्लाई होता है। सेक्शन में टोटल अगर 63 हो जाता है तो आपको 35 पॉइंट्स का बोनस भी मिलता है। ये नंबर्स यहाँ पे जो लिखे हैं ये आपको बता रहे हैं कि हर कैटेगरी में आपको मिनिमम 3, 6, 9, 12, 15 और 18 लाना है, जिससे कि आपका 63 पॉइंट्स हो के आपको बोनस मिल सके। अगर आपको 63 पॉइंट्स से ज़्यादा भी मिल जाते हैं तो भी बोनस पक्का है। करते हैं लोअर सेक्शन की तरफ। लोअर सेक्शन में जो पहली कैटेगरी है वो है 3 of a kind। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी डाइसेस में 3 1 जैसे नंबर आ गए, मिनिमम 3 1 जैसे नंबर आ गए, तो आपको सारी डाइसेस का टोटल मिलेगा। 4 of a kind और 3 of a kind के रूल सेम है, बस आपको 4 of a kind में मिनिमम 4 1 जैसे नंबर्स लाने होते हैं और उन सबका टोटल पॉइंट्स में लिख दिया जाएगा। फुल हाउस में आपको अपनी डाइसेस में 3 1 जैसे नंबर और 2 1 जैसे नंबर लाने होते हैं, और फुल हाउस में आपको 25 पॉइंट ही मिलेंगे। 25 कंसिस्टेंट पॉइंट रहते हैं, ये ना ही कम होते हैं ना ही ज्यादा। स्मॉल स्ट्रेट में आपको अपनी डाइसेस में मिनिमम 4 का सीक्वेंस बनाना होता है और आपको 30 पॉइंट ही मिलेंगे कंसिस्टेंट। लार्ज स्ट्रेट में आपके 5 का सीक्वेंस मैंडेटरी है और इसमें आपको कंसिस्टेंट 40 पॉइंट्स मिलते हैं, ना ही कम होते हैं ना ही ज्यादा। नेक्स्ट कैटेगरी है याद्जी, इसमें आपको 5 डाइस सेम नंबर के लाने होते हैं और इसके कंसिस्टेंट पॉइंट्स होते हैं 50। चांस हमारी आखिरी कैटेगरी है, इसमें बस आपको सारे डाइसेस का टोटल लिखना होता है। ये तब यूज की जाती है जब आपके कहीं और ब्लॉक्स फिल नहीं हो पा रहे हैं। गेम का एक और रूल है कि अगर आपके ऑलरेडी कोई ब्लॉक्स फिल्ड हो तो आप उसमें वापस से पॉइंट नहीं लिख सकते। गेम का सेकंड रूल है कि अगर आप अपना याद्जी का ब्लॉक फिल कर चुके हो और आपको कहीं और अपने पॉइंट्स लिखने हैं, याद्जी और आपके 5 डाइस सेम आ चुके हैं, तो आपको याद्जी की तरफ से 50 और पॉइंट्स का बोनस मिलेगा। इसका एक एक्सेप्शन भी है कि अगर आप याद्जी में ऑलरेडी 0 ले चुके हैं तो आपको 50 पॉइंट्स वाला बोनस नहीं मिलेगा। 0 पॉइंट सब मिलते हैं जब आपने चांस ऑलरेडी ले लिया होता है और आपके पास और कोई ब्लॉक नहीं बचा होता है भरने के लिए। पूरा गेम लक का है या आपके डाइस रोल करने पे डिपेंड करता है कि आपके क्या है, और आपको अपने पॉइंट्स देते समय अपने आप को ख्याल रखना है कि आपको ये पॉइंट कहाँ पे देने हैं। यहाँ पे लोअर सेक्शन का टोटल लिखा जाता है और यहाँ पे अपर सेक्शन का। ग्रैंड टोटल में इन दोनों को प्लस किया जाता है, जिसका भी ग्रैंड टोटल बड़ा होगा वो विनर हो जाता है। आज ये एक बहुत ही फन गेम है, तो वैसे फैमिली के साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।